तो बिल चाहे कोई भी हो, मौका पेश करने का हो या पास कराने का, सियासत होना लाजमी है। महिला आरक्षण बिल के लोकसभा में पेश होने पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। देश की राजधानी से लेकर यूपी की राजधानी तक बिल का समर्थन दिखा तो कुछ शर्तें भी रखी गई। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ नई संसद में पहले ही दिन महिला आरक्षण बिल पेश हो गया, वहीं दूसरी तरफ इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके महिला आरक्षण बिल को लेकर कुछ मांगे की हैं। उन्होंने लिखा है, महिला आरक्षण लैंगिक न्याय और सामाजिक न्याय का संतुलन होना चाहिए। इसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी महिलाओं का आरक्षण निश्चित प्रतिशत रूप में स्पष्ट होना चाहिए। महिला आरक्षण बिल को लेकर अखिलेश यादव ने कुछ शर्तें रखी तो वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती भी पीछे नहीं रही। उन्होंने बिल का समर्थन करने की बात तो कही लेकिन कुछ शर्तें भी रखी। उन्होंने मांग की है कि एससी एसटी और ओबीसी वर्गों की महिलाओं का कोटा अलग से सुरक्षित करना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन वर्गों के साथ नाइंसाफी होगी। 50% आरक्षण दिया जाता है तो इसका भी हमारी पार्टी पूरे तय दिल से स्वागत करेगी। इसके साथ साथ ये भी कहा था कि महिलाओं को जो भी आरक्षण दिया जाता है तो उसमें से एससी एसटी व ओबीसी वर्गों की महिलाओं का आरक्षण का कोटा अलग से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। विपक्षी दल अपने अपने हिसाब से महिला आरक्षण बिल को लेकर मांगे रख रहे हैं, वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी दल विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए बिल पेश होने का ऐतिहासिक मौका बता रहे हैं। देश की आधी आबादी के महिलाओं के लिए समर्पित, इससे ज्यादा बड़ी खुशखबरी कोई हो ही नहीं सकती। बधाई आदरणीय मोदी जी को, और इस बात के लिए विशेष बधाई कि उन्होंने चिंता की, महिलाओं की आधी आबादी की चिंता की। मैं समझता हूँ कि महिला सशक्तिकरण में ये बहुत बड़ा कदम साबित होगा, ये हमेशा एक इतिहास में अजर अमर रहेगा। नई संसद जब तक काम करेगी तब तक ये इतिहास बनेगा कि गणेश चतुर्थी के दिन, संसद के पहले दिन, पहला प्रस्ताव, पहला बिल महिला सशक्तिकरण के लिए। ये परंपराएं हैं, उनको और आगे बढ़ाएंगे और देश के लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। और महिलाएं देश की आधी आबादी हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाए बिना लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए नई संसद भवन के पहले दिन जो हमारा विधेयक इंट्रोड्यूस हुआ है वो महिलाओं की मजबूती के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए महिला आरक्षण विधेयक हम लेके आए हैं। महिला आरक्षण बिल नई संसद में पेश कर दिया गया, अब इस पर बुधवार को चर्चा की जाएगी जिसके बाद इसे राज्यसभा भेजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।